ठीक है, ध्यान से देखो। कॉमन सॉल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है? NaCl। कैसे बनेगा? NaCl प्लस, सॉरी, HCl प्लस NaOH, ठीक है ना। और ये क्या है इसका लैब प्रिपरेशन? ये क्या है इसका लैब प्रिपरेशन? ये अपने आप में क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। ये अपने आप में क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट। इसका पीएच वैल्यू कितना है? 7। इसके यूजेस क्या है? एडिटिव एंड फ्लूड, बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स बनाने के काम आता है, और एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। रुको जरा, सब्र करो। कमर्शियली 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 जो NaCl होता है, ये कैसे बनता है? बॉइलिंग ऑफ सी वाटर से बनता है। और दूसरा जो फॉर्म इसका अवेलेबल रहता है नेचर में, वो रहता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट कब बना था? ये रॉक की सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, पहली बात। और ये कब बना था? व्हेन द सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। व्हेन द सीज ऑफ बायगॉन एजेस, ठीक है। कॉमन सॉल्ट में क्या इतना ही करना है? जी हाँ, ठीक है ना। फिर आ जाता है तुम्हारा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है? केमिकली NaOH होता है। कॉमन नेम इसका कॉस्टिक सोडा होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। इसके बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एक एल्कली, कौन सा एल्कली? NaOH। NaOH को एल्कली क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर बनता है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर क्लोरीन कहाँ ऑब्टेन होगा? एनोड पे। और हाइड्रोजन कहाँ ऑब्टेन होगा? कैथोड पे। बोलो, कोई परेशानी? ठीक है। अब चलो ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। पर ब्लीचिंग पाउडर की कहानी हम लोग बाद में करेंगे, मेरी मर्जी। पहले बात करते हैं किसकी? बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना। ये कैसे बनता है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है मेरे पास? NS4OCl, NS4Cl और NaHCO3। ये अपने आप में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एम्फोटेरिक नेचर का रहता है, पानी में कम घुलता है। जब इसको हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो CO2 होता है ये क्या करता है? कॉजेस केज टू राइज, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बेकिंग पाउडर की बात करें तो जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग सोडा प्लस सम वीक एसिड लाइक टार्टरिक एसिड होता है, प्लस सम वीक एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। फिर इसके अलावा ये क्योंकि बेसिक सॉल्ट होता है इसलिए ये एज एन एंटासिड यूज होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज होता है? बिकॉज़ फायर एक्सटिंग्विशर में NaHCO3 के साथ हम लोग कोई एसिड बना देते हैं जैसे कि HCl, जिसकी वजह से यहाँ पर बन जाता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। CO2 क्योंकि हेवियर देन एयर होता है, क्योंकि ये हेवियर देन एयर होता है तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या करेगा? कवर कर लेगा। ये कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या करेगा? और क्योंकि ये कंबस्टिबल सब्सटेंस को कवर करेगा तो ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर देगा? आया समझ में? बोलो, कोई परेशानी? आगे जाएं, नेक्स्ट। हाँ, कम बेटर होता है। इसका हम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन भी किया था, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करते हो, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे और उसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के ऐड करोगे, दैट इज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई बात समझ में? इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डेका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पानी में सॉल्युबल होता है ना, जबकि बाकी दूसरे कार्बोनेट्स रहते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, जिससे सोना नहीं मिला, ठीक है ना। हम ये कहाँ यूज होता है? एज अ क्लेंजिंग एजेंट यूज होता है, डिटर्जेंट और सोप बनाने के काम आता है, रिमूवल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और ग्लास और पेपर बनाने के काम आता है, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। फिर आ जाते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्शियम क्लोराइड एंड क्लोराइड ऑफ लाइम? तो कैल्शियम क्लोराइड इज व्हाट? CaCl2। क्लोराइड ऑफ लाइम इज CaOCl2। आई बात समझ में? यहाँ पर क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ये बेसिक इन नेचर रहता है, और इसका जो ब्लीचिंग इफेक्ट रहता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरीन गैस की वजह से होता है। ये बनेगा कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम लोग क्लोरीन गैस पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम लोग क्लोरीन गैस पास करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? CaOCl2+H2। ठीक है, ये काय काय में यूज होता है? डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के काम आता है, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन को ब्लीच करने के काम आता है, लैब में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम आता है। लास्ट सॉल्ट है तुम्हारा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कब बनता है? जब हम लोग कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, .2H2O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। इसको हम लोग 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो मेरे पास बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि CaSO4.5H2O, ठीक है ना। यहाँ पर केयर करनी पड़ती है कि जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन से ज्यादा ना हो, अदरवाइज क्या बनता है? डेड बर्न प्लास्टर। क्या बनता है? एंड व्हाट इज डेड बर्न प्लास्टर? हमने कहा सूखा, यानी कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। अगर प्लास्टर को सेट करना होता है तो हम लोग पीओबी में फिर से क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं, ठीक है ना। पीओबी में पानी डालने से जब उसको धीरे 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 सेट करते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बनकर बाहर आती है। कहाँ कहाँ काम आते हैं? तो हमने कहा फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के काम आते हैं, डेंटिस्ट्री में काम आते हैं, आर्टिफिशियल टूथ बनाने के, घर में काम आते हैं आर्टिफिशियल सीलिंग आर्टिफैक्ट डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, और लैब में काम आते हैं अपैरेटस को एयरटाइट बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? यहाँ पर तुम्हारा सॉल्ट तक कहानी क्या होता है? खत्म होता है। फिर आता है क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आज तक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक सॉल्ट के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं उसके क्रिस्टलाइन स्टेट में। याद करो, अगर CuSO4.5H2O है तो ये मेरे पास कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। एनहाइड्रस CuSO4 जो रहता है वो व्हाइट कलर का रहता है। सिमिलरली अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आएगा तो हम लोग जब FeSO4.7H2O की बात करते हैं तो वो पिंक कलर का होता था, और जबकि नॉर्मली FeSO4 भी व्हाइट कलर का होता है, ब्राउन लाउड लाइट। चलो बोलो, कोई परेशानी? सुनो, मेटल स्टोन मेटल्स में हम लोग को जो फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है, किसकी? मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इस पर जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ इसके एक्सेप्शंस याद कर लेना। जैसे पहली प्रॉपर्टी दी हुई है तुम लोग को हार्डनेस, तो वो मेटल जो हार्ड नहीं होते वो कौन होते हैं? सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये नाइफ से भी कट जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी है क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ सबकी हाई होती है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज देखी रखी हुई, जनरली मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो यहाँ तुम लोग को याद क्या रखना है? यहाँ तुम लोग को याद सिर्फ वो रखनी है क्या? एक्सेप्शंस, ठीक है ना। मेटल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं? सोनरस होते हैं, यानी कि वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
ठीक है ना, जो नॉन मेटल सॉल्ट है वो नॉन सॉल्युबल, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। मेटल्स जो रहते हैं वो गुड कंडक्टर्स रहते हैं, मेटल्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, गुड कंडक्टर्स रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेटल्स जो रहते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है ना। गोल्ड गोल्डन होता है, येलो कलर का होता है, और जो कॉपर रहता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। मेटल्स जो हैं जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये जो रिएक्शन रहती है ये हाईली विग्रस होती है, क्या होती है, हाईली विग्रस होती है, और क्योंकि रिएक्शन हाईली विग्रस होती है और हाईली एक्सोथर्मिक भी होती है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, क्योंकि अगर इनको कैरोसिन ऑयल में स्टोर ना करें तो इनमें आग लग सकती है, दे कैच फायर अदरवाइज। फॉस्फोरस को आप पानी में भी स्टोर कर सकते हो, वो पानी के साथ भी रिएक्ट करता, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब बर्न करता है तो कॉपर ऑक्साइड देता है, याद रखना कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर्स। मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो ये जो है सोडियम जो है वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेगा, पोटेशियम जो है वो भी क्या करेगा, ठंडे पानी से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, दोनों की रिएक्शन हाईली विग्रस होगी, दोनों की रिएक्शन हाईली विग्रस होगी। यही रीजन होता है कि इसको हम लोग कहाँ में स्टोर नहीं कर सकते, वाटर में भी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। कैल्शियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन जो रिएक्शन रहती है वो सोडियम और कंपैरिजन पोटेशियम के कंपैरिजन में लेस विग्रस होती है। आई बात समझ में। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में फ्लोट क्यों करते हैं जबकि वो पानी से हैवी होते हैं, तो हमने कहा कि जो हाइड्रोजन बबल्स बनते हैं, जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं वो मेटल सरफेस के साथ चिपक जाते हैं और उसको अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। क्लियर है। सो जिंक, एल्युमिनियम और आयरन हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, ये सीधे किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से, और स्टीम से रिएक्ट करने के बाद भी ये हाइड्रोक्साइड न बनाते हुए क्या बनाते हैं, सिर्फ ऑक्साइड ही बनाते हैं। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं कौन से, ऊपर वाले सारे ऑक्साइड्स कैसे नेचर के थे, बेसिक नेचर के थे, यानी कि ये पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड अपने आप में क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, और जिंक ऑक्साइड भी अपने आप में क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम जो है HCl के साथ विग्रस रिएक्शन दिखाएगा, पोटेशियम भी सेम रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करके MgCl2+H2 बनाएगा, ठीक है ना। जिंक भी है जो रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस कब रिलीज नहीं होती है, जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कि हाइड्रोजन गैस को क्या काय में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज करके वाटर में, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड। आई बात समझ में।
ठीक है, कॉपर गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं ये नोबल मेटल्स होते हैं, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। देखो तुमको कहा था कि जिंक जो होता है और जो एल्यूमिनियम होता है दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। तो जो जिंक है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाएगा और HCl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम है ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। चलो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड दो तरह के हो सकते हैं, या तो एसिडिक नेचर के हो सकते हैं या तो न्यूट्रल हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ये एसिडिक रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो रहता है एसिडिक रहता है, और जो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है वाटर, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। पूछते हैं एसिडिक और न्यूट्रल भी पूछते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। SO2 वाटर में डिजोल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। SO3 पानी में डिजोल्व होकर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। मेटल्स और नॉटल्स नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। आयन में आयनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन कब बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिव आयन कैसे बनता है, रिएक्टिविटी सीरीज तुमको पता है, अरेंजमेंट ऑफ वो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। क्लियर है क्या कहानी, आगे जाएं नेक्स्ट। बहुत ध्यान से देखना अभी, जो सोडियम रहेगा ठीक है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.8.1, वो बनाएगा क्या, Na से Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये जो है 2.81 है और ये हो जाएगा 2.8, ठीक है ना। जो क्लोरीन होता है वो होता है 2.87, वो क्या करेगा, 2.87 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा Cl- जो कि क्या होगा 2.88। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन लगा देना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लगा देना और यहाँ पर कितने लगाओगे, 8, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, गेन करा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप पोटेशियम की बात करोगे तो वो होगा 2.881। पोटेशियम जो है अगेन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, 2.88 कैटायन, ठीक है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम होता है 2.882, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Ca2+ बना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। सिमिलरली अगर Mg की बात करें तो Mg होता है 2H2, तो ये है Mg, ये बनाएगा Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 2.82, ये बना लेगा कितना, 2.8। बचा क्या इसके अलावा, एल्यूमिनियम। बचा क्या इसके अलावा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2.83। Al क्या करेगा, 1 2 3 ये बनाएगा और उसके बाद क्या बना लेगा, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी। ये तो किसकी कहानी हुई, पॉजिटिव आयंस की कहानी हुई। हाँ तो हाँ तुमको ये पे क्या बता रही हूँ, नेगेटिव आयंस की भी कहानी बता रही हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखो, हमको दो ही नेगेटिव आयन करने थे, एक कौन सा, क्लोराइड और एक कौन सा, ऑक्साइड।
ऑक्सीजन कितना होता है? 2.6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 गेन कर लेगा तो क्या बना लेगा? O2-। ये है 2.6 और ये हो जाएगा 2.8। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखना है ना, एक एक करके गेन करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं NaCl से। यहाँ पर NaCl लिख रहा है, ये Na और ये Cl, ठीक है ना? तो Na प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। Na प्लस प्लस Cl माइनस विल गिव मी व्हाट? NaCl, ठीक है ना? कहानी नंबर 2 बनाएंगे किसकी? KCl की। ये ना मेरे पास के ये क्या मेरे पास के इसके साथ में क्या दिख रहा है? Cl, ठीक है ना? तो K प्लस प्लस Cl माइनस और गिव मी कितना? KCl। फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं Na के साथ ही। ये है Na और ये है O2 माइनस, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो Na कितने आएंगे? 2। Na कितने आएंगे? 2। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी 2Na प्लस प्लस O2 माइनस वुड गिव मी क्या? Na2O, ठीक है? सिमिलरली 2K प्लस प्लस O2 माइनस वुड गिव मी कितना? K2O, है ना? अब हम लोगों ने पहले कहानी किस देख ली? Na और K की। अब हम लोग एक कहानी देखेंगे Ca और Mg की। ये कहानी किसके देखेंगे? Ca और Mg की। तो Ca 2 प्लस ये दो देने को तैयार है, लेकिन Cl तो एक ही है, दो Cl लेंगे ना?